पूरा मेरा नुकसान करवा दिया है जारा ने 100 रुपए का। क्या बोलते हैं? हाँ जी हैंड वर्स्ट्री जो है ना जी, उधर आए हुए चक चाहिए ना, घिन तो सही। सारी बकरियां जी अंदर दाखिल हो चुकी हैं। हाँ जी लिली है, बकरी है। हाँ जी एक लेली है, एक लेली है। हाँ। अच्छा एक लेली है जी, बकरी पीछे कर रही है और एक जवान वो चढ़ा हुआ ऊपर, एक जवान ये चढ़ा हुआ है। ये मारती भी है। कौन सी मारती है? ये और वो। ओए आराम करो, ओए लड़ो ना, ओए प्यार मोहब्बत से खा लो, लड़ा भिड़ा ना करो। लड़ने में इतफाक नहीं होता, प्यार मोहब्बत में इतफाक होता है। लड़ रही हैं? क्यों लड़ो ना, प्यार मोहब्बत से खा लो। हाँ लड़ना नहीं है। उत्तू तू ना कप ना, तलू तलू उतली छा सारी ना छांगो ना, तलू तो छा खत्म थी वैसी, यकीन नहीं आखी ना, तलमी तलमी साइड आखी है सारी छांगियां दे वे। ओ तू ना छांगो चाचा, ओ चाचा तलु तलु आखी है सारी छांगियां दे। ओ हाँ केड़ी ओ तू ना, ये वाली ना छांगो, नीचे नीचे से छांगो। उत्तू तो सारी गंजी की तिया ना शोधी को। हाँ और तले लग गया बस, जेड़ी छिंगीज गई है, छिंगीज गई है। तले आवन नीचे आ जाए, वो उधर सुगना सिस्टर का बेटा उधर, तले आवन बेटा शाबाश ठीक है। लिली नहीं है, बकरी है। बतनी है। क्या है? बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब शुक्र अल्लाह पाक का खैरियत से हैं। सबसे पहले तो जी प्यारे के 10 रुपये ये लें, यह आपका इनाम, क्योंकि आज इसने पहला कलमा जो है उसकी तहरीर की है माशाल्लाह से, मैंने साथ में करवाई है और सब बच्चों ने माशाल्लाह से बारी बारी अपने कलमे जहाँ जहाँ तक आते थे सुनाए हैं माशाल्लाह, और इनको 10-10 रुपये इनाम भी मिला है। आपको मिला था 10 रुपये? मिले थे ना, इधर देखो, इधर देखो, 10 रुपये मिले थे ना। किसने दिए थे? आपने, मैंने दिए थे। अब जी बात करते हैं काम की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दरख्तों की सूरत हाल। दरख्त जी आज कटवा दिए हैं, ये वाला दरख्त भी कट चुका है सारा बिल्कुल। अब दरख्त कटने के बाद जो है ना माशाल्लाह रिजल्ट जो है ना ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि दरख्तों की जो छांव है ना उसकी वजह से ना अंधेरा अंधेरा रहता था सहन के अंदर सारा। ये है कि दरख्त वगैरह कट गए हैं और जो इसके पत्ते और इसकी जो लकड़ी है एक तो यहाँ पे डाल दिए हैं। मरे ये लड़े ना सारे नाल, नहीं वो घर में है, इनमें ही ना गया वो नहीं, जब वो आ गए तो उन्होंने ये देखा ये दरख्त यहाँ पे पड़ा है, वो तो लड़ेंगे कहेंगे आपने यहाँ पे हमारी छत पे क्यों रखा है ये सारा। नहीं, उतार के दरख्त वगैरह झड़ जाएंगे ना, मुरझा जाएंगे, फिर हम उतार के ना अपनी छत पे रख लेंगे। अच्छा चलें बहरहाल ख्याल करें ना वे लड़ाई पे बने नहीं लड़ते। और कुछ जो है यहाँ पे इधर रख दिया है क्योंकि वो छत जो है बिल्कुल भर चुकी है पत्ते पत्ते और सारी जो टाली की जो लकड़ी है, और ये पता नहीं कौन सा दरख्त है, ये नीम है, नीम का जो दरख्त की लकड़ी है वो सारी इधर डाल दी है। और मैं तो इनको कह रहा था इस वाले दरख्त पे, इस वाले दरख्त कह रहा हूँ, इस वाले रूम के ऊपर रख देनी थी, दो चार दिन तक ना जो है ना सूख जाते पत्ते और ये जो लकड़ी फिर नीचे उतार लेते यहीं सूख जाते नीचे। ये वाला जो बालन है ना अभी मैं बच्चों को ऊपर चढ़ाते हूँ, ये इस छत पे रखने लगी है क्योंकि इस छत पे तो हम रख नहीं सकते, ये कच्ची छत है ना, फिर आपको पता है ये टपकती हुई भी है जब बारिश आती है। पकाने के लिए मैं लेके आ जाता हूँ, आपने एक काम करना है ये झाड़ू उठाए हाथ में और इज्जत के साथ प्यार के साथ खलूस के साथ मोहब्बत के साथ पूरे सहन में अच्छी तरह से झाड़ू दें, क्योंकि सुबह सुबह तो आप झाड़ू देती हैं। हाँ जी ठीक है, लेकिन
आज ये दरख्त वगैरह कटे हैं सारा सहन की फिर से बुरी हालत हुई हुई है, इसको सफाई कर लें ठीक है। और पकाने के लिए क्या लेकर आना है? आपको पता आटा खत्म हुआ हुआ है, गंदुम इब्राहिम ने लेके जानी है, वो कह रहा है सुबह मैंने उसको कहा था, कह रहा भाभी पेट्रोल नहीं मिला था तो गंदुम नहीं, ये तो इसका तो फिर यही है चावल बनेंगे। आप बहने दोनों जो है ना माशाल्लाह वैसी तो बहुत भोली भाली है, लेकिन जब आटे की बारी आती है ना खत्म होने की, आप दोनों माशाल्लाह बहुत चलाक हो जाती है कि वे किसी तरह चावल पके बहाना बने, आटा जी वो लेके नहीं आया या गंदुम नहीं गई या वो हो गया या यो हो गया। तो ठीक है, अब कल से जो आटा खत्म है आपका हक बनता था, आपने कल फौरन ही जो है गंदुम निकाल के उसे कहना था भाई ये तोड़ा ले जा, जाके चक्की पे डाला और आटा पिसवा के ले आ। रात भी हमने रोटी बनाई थी ठीक है, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था, बस मुकदम का मौसम ना कुछ भी ना, बस सीधी दस के चावल पकाने ने, चावल पकाने सादे चावल ही आलू वाले बहुत ज्यादा कह रहे थे। पुलाव खाने का दिल कर रहा है उसको, का चावल जो है ना सदीक साहब ले देते हैं, पुलाव जो पुलाव में क्या डालनी होती है, बोटियां डालनी होती हैं, चिकन के पैसे वो दे दे तो फिर मैं ला देता हूँ ठीक है। चलें ठीक है, मुक गई, मैं उसको कहती हूँ। हाँ उसको उठाओ। हाँ जी पुलाव खानी है? हाँ जी। चावल मैं ला देता हूँ, पुलाव आप दे। पुलाव कह रहा हूँ, पुलाव के क्या कहते हैं, चिकन के पैसे आप दें ठीक है। मुक गई माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी पैसे लेकर दें मुझे चिकन के, इब्राहिम भाई आ जाता है और जाकर मैं जो है ना आपको वो सामान ला देता हूँ, चावल ला देता हूँ और चिकन ला देता हूँ, पैसे ले दे मैंने चिकन देती है आपको। हाँ जी मैं दे देती हूँ। चलें ठीक है लेकर आए। और वो चावल के साथ साथ टमाटर हरी मिर्चे और बिरयानी मसाला लेके आना, दही लेके आना, टमाटर जरा। ओ ये गल तू मनु कैमरा ऑफ करके दसनी होंदी है, दस दीता कर। जारा जी अपनी तिजोरी में से 500 का नोट ले आई है निकाल के जी, ये देखें चिकन लेकर आना है। हाँ जी चिकन लेके आना है, तो फिर आप लेके आना ना। चिकन कितना लेकर आना है जारा? जितना आपका भाई दिल करता है उतना लिया। 500 का तो मेरे ख्याल किलो आएगा। हाँ 500 रुपए किलो है ना? हाँ जी 500 का नहीं 400 का है भाई। 400 का है? हाँ जी। अच्छा सारी इतनी तफसीलात होती है। हाँ क्योंकि वो इब्राहिम दो मरतबा हम गए है ना, तो जारा ने पीछे मुंगाने पकाया था ना आलू। अच्छा 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 चलें ठीक है रख लें, कोई बात नहीं मैं ले आऊंगा। नहीं भाई रख ले, रख ले कोई गल नहीं, फिर जरूरत पड़ेंगे ना फिर मैं ले लूंगा आपसे ठीक है। ठीक है ना, कितनी सुपारियां खाते हैं इनका ध्यान दो, ये देखें ये जो ला के देते हैं ना ये खा रही है। हाँ जी ये खा रही थी। अब क्या सुपारियां मिलती हैं और चीज नहीं मिलती खाने के लिए? अभी आ जाएगी मुश्किल। अब मैं जी सिर्फ एक चीज के लिए रुका हूँ, जैसे बाइक आती है फिर मैं जाता हूँ, क्योंकि ये वाली जो बाइक खड़ी है ये है इब्राहिम भाई की और इसमें पेट्रोल नहीं है, और क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ है तो इसलिए पंप जो है सारे पंपों में पेट्रोल नहीं है, रात तक आ जाएगा, पेट्रोल जो है ना शॉर्ट हुआ पड़ा है, तो वो कहीं से ढूंढ के लाएगा और मुझे बाइक मेरी देगा, फिर मैं जाऊँगा आपको खाने पकाने का सामान जो है ला दूंगा। इब्राहिम बोतल भी लेके गया ना पेट्रोल लेने के लिए, गया वो इसमें बाइक में डालेगा, और गंदुम के लिए गट्टू भी लेने गया है वो। चलें अल्लाह खैर। सब्जी का सामान लेकर मैं आ गया हूँ, अभी भी लगे हुए हैं। ओ बस करो खुदा का नाम लो, बस करो एक दो पत्ता तो रहने दो। ओ यार ना कर यार, बस कर यार, समझाओ इसको, गुस्से में आ गया आज तो। चले हाँ जी मासूम फातिमा आप क्या कह रही थी बार बार? हाँ जी इसको देखो, ये जी पूरा मेरा नुकसान करवा दिया है जारा ने 100 रुपए का। क्या मतलब? कह रही थी 400 रुपए किलो गोश्त है, 500 रुपए मिला है। चलो पकड़े पौना चावल लेके आए हैं, ये पौना चावल है, 2 ही किलो ले आया हूँ, क्योंकि आप कह रही थी ना भाई 1.5 किलो चावल है सुबह, फिर क्या करेंगे आटा तो भी मिलेगा देर से, फिर 2 किलो पूरा ले आया हूँ। मैंने कहा चलें सुबह का नाश्ता बच्चा पालती जो है वो भी कर लेगी, आप लोग भी कर लेंगे ठीक है। ये पौना चावल लाए? हाँ ये पौना ही है चावल, टोटा चावल है ये? नहीं पौना चावल नहीं, टोटा चावल है। पता नहीं बहरहाल महंगा तो बहुत मिला है, टोटा चावल दिया 260 रुपए किलो मिला है, ये 2 किलो है तो कितने का बनेगा? 520 रुपए का, 50 रुपए की दही है, गोश्त है और साथ में हरी मिर्च टमाटर ठीक है। आज की हांडी महंगी पड़ गई है। हाँ जी क्या कह रही हो? और यहाँ पर जारा क्या कर रही है, चाय बनाने लगी है? बस अब मैं तो जाने लगा हूँ, देर कर दी है आपने चाय बनाने में। बनाने लगी तो चाय पी के जाना। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट का बना देते। पक्की गल है? हाँ जी। चलें जी बनाना शुरू करें। हाँ जी
कौन सी टहनी? सारे बाल उतारने लगा दरख्त के हैं, एक दो बाल तो रहने दे बेचारे का। कौन सा उतारता है? वो वाला, वो भी उतार दे, ये छोटे छोटे ये वाले उतार दे, क्योंकि ना बल्फ के आगे आता है ना अंधेरा हो जाता फिर रात को। ठीक है वो वाली रहने दे, ऊपर वाली चलें। ठीक है भाई, जिस तरह तेरा दिल करे उस तरह ही कर ले सारी बिल्कुल। हाँ जी क्या कह रही हो? बस बाबा जी चुप, आगे कोई बात नहीं करनी। बाबा जी चुप, बस आगे भी बताया करो क्या बात होती है। वो कह रहे प्यारा चीज लेके आया है। हाँ तो चीज तो आपने भी खा ली है। खा ली है ना? सही बात है ना? हाँ चाचू ने नहीं दिए। क्या कह रहा था? चाचू ने कहा था फिर मेरे साथ गत्तू ने क्या भी तोड़े पैसे देता हूँ, दिए नहीं दिए फिर 10 रुपए। चलो ये लो, आपने सही नहीं पढ़ा था। वो बुला रही है आपको, जाओ चाची बुला रही है, क्या कहती है जाओ। छोटे चाचू की? हाँ जी, मदली की कमीज में से। चलें आज वैसे भी सर्दी आ गई, अब तो काम वैसे ही ठंडा हो जाएगा। चलें अल्लाह खैर करेगा। तबीयत अब बताओ आपकी सही हुई है कि नहीं अभी तक? चलें फिर सुबह कूलर की बारी लगा लें दोनों बहनें मिलके। चलें ठीक है, मैं बता रहा था शुक्रे को, मैंने कहा आप वैसे भोली भाली बहुत हैं माशाल्लाह, चावलों की बारी आई तो बहुत चलाक हो जाती हैं, क्योंकि चावल बनवाने होते हैं ना, ऐसे ही है ना? हाँ जी ऐसे ही है। चलें जी दूसरी साइड वो भी क्लियर कर दी है, बस अब ये थोड़ी सी रह गई है साइड, ये वाली रह गई। अब सर्दी है, अब खांसी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है छाँव की, जैसे ही गर्मी आएगी और अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक करम फरमाए, सर्दियाँ ख़त्म हो, गर्मी आए तो हम अपने घर में चले जाएं। अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल फरमाए, और जो भी घर हैं अल्लाह पाक सबको अपना घर दे, झोपड़ी हो अपना हो, अपना हो। हर महीने दरवाजा बज जाता है किराया कटो, क्योंकि अपने अपनी जमीन हो ना, कच्चा कमरा भी हो ना, वो उसमें भी ना इंसान सब शुक्र अदा करके बैठ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने प्यारे बहन भाइयों को खुशखबरी दी थी, जमीन तो हमने ली हुई है, अभी उसके कुछ मामला चल रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा। बस आपने मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक मुझे इस मकसद में कामयाब करे, उसके बाद हमने एक और जो है ना बहुत बड़ा काम करना है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक खैर करे, वो भी अल्लाह पाक मुझे इस मकसद में जो है ना कामयाब करे। आमीन। आप क्यों हंसी हैं? वैसे मैं सोचती हूं पता नहीं कौन सा आपका मकसद है इतना। चलें जब वो आएगा ना फिर आपको भी पता चल जाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह। मैंने कहा ये बड़े वाले जो है ना बड़े ना काटे। कौन सी काट रहा है? मैं ये वाली काट रहा हूं। मामू क्या है ये ऐसे मोटे लड़े ना काट? हाँ ये टेडी जो खड़ी है ना ये वाली ना काट, हमारे ऊपर गिर जाएगी। बारी बारी, पहले इसकी बारी लगाई है, फिर उसकी बारी लगाई है, उस वाले की, ये वाले की, अब उसको काट के अब कहता है ये जो टेढ़ी हुई खड़ी है ना मामू ये भी काट दूं। मैंने कहा चल भाई इसको भी काट दे, बस ये जो फूल बचा हुआ है ना ये काफी बड़ा फूल है, तो इसकी छांव जो है ना दिन में रहा करेगी। और नहीं हो खुदा के नाम ये के कटन के चक्कर च पाएंगे, चाय बन गई है 5 मिनट से ऊपर हो गए हैं। हाँ ऊपर नहीं होते भाई, रहने दे। चले ठीक है जी, चाय जी मैंने अपनी पी ली है। ये चाय किसकी पड़ी है? बहुत मजे की बनाई हुई थी, दूध पत्ती डाली हुई थी। हाँ जी दूध पत्ती बनाई थी। चले माशाल्लाह, ये किसकी पड़ी है चाय? शुक्रिया पीनी है? नहीं मैंने नहीं पीनी, मैं तो लगा हूँ जाने। और यहाँ पर प्याज, हरी मिर्चें, पता नहीं अभी ये लंबी वाली हरी मिर्चें हैं, कड़वी वाली हैं या दूसरी घास वाली हैं, पता नहीं कौन सी हैं। ये ना इब्राहिम को दें, इब्राहिम खा के देखेगा तेज है या नहीं। एक घिन्ना चख चाहिए। ना मैंने खाती ना, ना मैं घिन तो सही कुछ नहीं थी ना, मैंने खाती खा तो सही ना। ये तेज नहीं होती मिर्चें, दूसरी होती हैं तेज। हाँ जी मीठी है ना? नहीं है हाँ। चल चल खुदा देना मैं चाह पी, जल्दी को जल्दी जल्दी चाह पी, इतने कड़वे मिर्चे हैं, चाह पी चाह पी चाह पी, ये देखा बस ठीक है, जुबान देख ली है, देख लिया ना कैसी है। कह रहे हो क्या नाम है आपका? इधर देखो आज तो मुझे लेट हो गई आने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ जी ठीक है आप भी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। और बादलों ने जी सूरज को घेर लिया है और आज तो सुर्खी भी नहीं है क्योंकि बादल आ गए हैं ना बिल्कुल सामने। हाँ जी, माशाल्लाह सुबह से ठंडी हवा चल रही है, आगे आगे मौसम और भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अच्छा आ जाएगा। और सर्दियों का जो है ना पहला सीजन शुरू हो चुका है और हमने सर्दियों के स्टार्ट में ही जो अपने दरख्त वगैरह सारे छांग दिए हैं। अब जैसे ही कभी बारिश पड़ी तो सर्दी जो है ना उसकी शुरू हो जाएगी, शुरुआत अल्लाह खैर करेगा। आते साथ ही आप ही ने कहा कि भाई मैं चाय बना लेती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है आप चाय बना लें। और मेरे आने से पहले जो है अस्सलाम वालेकुम, मेरे आने से पहले मुल्तान से मेहमान वगैरह माशाल्लाह वाजिया क्या बात कर रहा था। मेरे आने से पहले मुल्तान से आए हुए थे मेहमान, तो मेरे पास कॉल भी आई थी कि भाई आप आ रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट लग जाएंगे। फिर वो मुझे बंद पे मिले, कह रहे भाई कॉल आ रही है, जिधर हमने जाना था ना उधर से कॉल आ रही है कि ना हम उधर जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सुबह आएंगे। यानी कि खाला आई हुई थी और कज़न आए हुए थे साथ में, मामी वगैरह आई हुई थी, तो उधर अपना किधर टीटी पाल्टी है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हाँ जी हैंडवर्सरी जो है ना जी उधर आए हुए हैं। मुझे तो नाम भी नहीं है। हाँ जी, तो उधर वहाँ पे फिर आपकी भी है तैयारी, कौन कौन जा रहा है हैंडवर्सरी पे? चल अल्लाह खैर करके चाय आप बना लें और चले जाइएगा। जब उन्होंने बुलाया है तो फिर आपको जाना चाहिएगा, ना बुलाते तो फिर तो चलो हाँ, और क्योंकि उन्होंने बुला लिया है तो फिर हक बनता है, जाना चाहिए। और साथ में इसको भी ले जाना। आप क्या कह रही हैं? आप लोग जा रहे हो? मेरे से पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई जाना है तो भाई जाओ, हक बनता है, आप तैयारी कर लो जी जिसने जाना है। क्योंकि बच्चे का तो यह है कि बच्चों को लेके जाएंगे वहाँ पे सो जाएंगे, तो यह है कि बड़े बड़े चले जाएंगे, घंटे का होगा फंक्शन वगैरह, वो केक वगैरह होगा या खाने पीने का इंतजाम जो भी होगा, तो ये है देखते हैं अल्लाह खैर करे। बहरहाल चाय बनाए आप। हाँ जी, खाना वगैरह नहीं बनाना आपने? क्यों इरादा कोई नहीं? नहीं, चलो मगरिब का टाइम हो चुका है और बादल भी इधर से आना शुरू हो गया है, इधर से भी बादल यूँ आ रहा है, गोल गोल यूँ बादल आ रहा है। और बल्ले भी रुकेश ने जला दिया और रुकेश से बैठी अंदर कमरे में, पता नहीं क्या कर रही हैं। क्या कर रहे हो आप? फिलहाल बैठी नहीं, अभी तो मैं बैठे हुए। हाँ जी, दादा बना रहे हैं, उधर जाने का जाए नहीं जाए समझ नहीं आ रही। चलो सलाम मशवरा कर लेते हैं, फिर जाना चल जाते हैं, नहीं तो फिर रहन देते हैं। हाँ, और आज खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना था, छुट्टी है। बस वो दाल बनाई हुई थी। अच्छा, बस अगर रोटी बनानी हुई बना लूंगी। हाँ दोस्ती तभी बना लेंगे, चले जाएंगे अभी। सही, सोचते हैं क्या। हाँ जी, बच्चे जाना अपने साल सालगिरह। हाँ बच्चे तो कह रहे हैं हमने जाना है आपने। हाँ, बच्चे का तो दिल कर रहा है। यहाँ पे किसी की बच्चे की सालगिरह नहीं होती, जो मतलब जाहिर बात है जब अपनों की होती फिर तो दिल करता है जाने को। इतनी महंगाई है, मतलब क्या करे। हाँ ये तो है, बस अब क्या करें, अब जान ना जाए तब भी मरते हैं, जाए फिर भी मरते हैं। सही है, अच्छा देखते हैं अभी फिलहाल। वैसे बच्चों ने खैर तैयारी शरीर तो करेगी, कपड़े छपड़े तो बच्चों ने पहने हुए हैं, पहले से रेडी होके बैठ गए हैं ना, कपड़े पहने हुए ना, कपड़े बस उसकी पाउडर लगाओ और जाओ जाओ। हाँ जी, है ना, इनाम इनाम भी आ गया, इनाम से इनाम आपने जाना है, चाल गिला में जाना है आपने, इनाम आपने लगा के आ गए, ये मट्टी मट्टी लगा के आ गए, ये अभी मैंने से कपड़े पहनाया नहीं, लाया दुलाया मिट्टी में ऐसे लेट गया था फर्श पे लेटा वो। हाँ जी, बच्चा अब मिट्टी है वे घर में तो बच्चा ऐसे फिर हो जाता है ना, फिर आपको पता है, फिर हमारा कच्चा सहन है, फिर पक्का तो है नहीं, पक्का होता चलो बंदा धो वगैरह देखते हैं, मतलब बच्चा खेलने वाला नहीं, ऊपर तो नहीं टिकता, नहीं ऊपर नहीं टिकता, बिल्कुल भी टिकता, इसे ऊपर बिठाती हूँ तो ये फटाफट नीचे उतर जाता है। सही बात, इतना खराब हो गया, खेलने वाला बच्चा नहीं टिक सकता, थोड़ा सा समझदार होएगा फिर से पता लगेगा भाई। हाँ, मैंने ये मट्टी में नहीं, कपड़े मेरे गंदे हो गए, मैंने नहीं गंदे करना। सही है, चलो फिर ठीक है, आप सोच लो फिर, मैं भी फिर देखती हूँ फिर।